ओम शांति। आज 27 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। अर्थात ये दो नयन तो है, उसके बावजूद भी जब हम अपने आप को नयनहीन कहते हैं तो कौन से नेत्र की मांगनी करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ज्ञान के दिव्य चक्षु तीसरे नेत्र की मांगनी करते हैं, कि जिस तीसरे नेत्र से, ज्ञान के दिव्य चक्षु से हमारी स्मृतियां जागृत होती है और हम समय के अंतराल को समझने की क्षमता रखते हैं। अर्थात सृष्टि के आदि काल स्वर्ग को हम समझने लगते हैं। ये स्मृति जागृत करके बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे स्वर्ग के मालिक थे जहां पर सोने हीरे के महल थे, पूरा आसमान धरती तुम्हारी थी, जहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसी दुनिया के, ऐसे स्वर्ग के मालिक बन रहे। साथ ही साथ ज्ञान के इस दिव्य चक्षु खुलते ही ज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। और ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हमने भगवान से क्यों चाहा, क्योंकि उसी से हम बाप को पहचान सकते हैं। भक्ति मार्ग की ठोकरों से स्वयं को बचा सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम पूरे तीनों कालों को जान सकते हैं और अनेक प्राप्तियां जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा आकर हम बच्चों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने यह गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है। आत्माएं ये भूल गई है कि हमारा बाप कौन है,
पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो। ये चक्षु की बात नहीं है, स्थूल चक्षु की बात नहीं है। तो बाबा कहे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो। तो हम अपने बाप को पहचाने, उस ज्ञान के दिव्य चक्षु से क्या क्या प्राप्ति होती है। पहली बात, अपने बाप को पहचाने। दूसरा, भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। तीसरा, सदगति के लिए। चौथा, तीसरा नेत्र लेने लिए। पांचवा, बाप से मिलने लिए पुकारते हैं। तो ये ज्ञान के दिव्य चक्षु बाप को पहचानने के लिए, भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाने के लिए, सदगति के लिए। ये तीसरा नेत्र हमें चाहिए, जिससे हम बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं। क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो ज्ञान के दिव्य चक्षु से हमारी स्मृतियां जागृत हो जाती है, जिससे हम भारत जो स्वर्ग था, उस स्वर्ग को भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नर्कवासी है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। सारी स्मृतियां आत्मा की जागृत कर रहे हैं तीसरा नेत्र मिलने से। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी डिनास्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसको पता नहीं है। तो तीसरा नेत्र खुलते ही ये सब कुछ समझ में आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया। पूजा करते हैं, जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं, हम पतित है, हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं, सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है, सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अभी नर्कवासियों का क्या हाल है, देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, न कि 84 लाख। बाप समझाते हैं, तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो।
84 जन्मों का पाठ बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना, पुनर्जन्म 84 होते हैं, तो पूरे 84 जन्म की स्मृतियां हमारी जागृत हो गई। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों अर्थात आत्माओं से बात कर रहे हैं, और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं, यह है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उसने तो गीता सुना ही नहीं, ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म मुख्य है चार। पहले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, अभी है घोर अंधेरी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधेरे में आ जाते हैं तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही है। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्र में यह नॉलेज नहीं है। यह नॉलेज अभी हमें प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त हुई? जब ज्ञान के दिव्य चक्षु खुले तो हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी अनुभव कर सकते हैं। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं। पुकारते भी है हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं, सतयुग आदि में 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत शाहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर तुमने वो कहां गंवाया? तुम कितने शाहूकार थे? भारत कौन सड़ा है, अर्थात भारत कौन कहलाए? भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है। सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, वह फिर 84 जन्म भोग अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं।
बाप कहते हैं तुम कितने शाहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक ही बाप दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मुझे अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहां आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि पांच विकार रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी है। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नरक। सभी पतित है इसीलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, न कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप ही यह सब बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और वह पारलौकिक बाप। तीन बाप शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही है बाप। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं, इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है, अब उनको कौन समझाए। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है।
प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है। यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं, बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते, वर्षे का हक नहीं रहता। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, यह भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं, कौन लेते हैं, जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे करके 40 जन्म होंगे, यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है, यह है याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छे व बुरा कर्म करती है, आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारे कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। तो जब हमारे ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलते हैं तो बहुत सारी सूक्ष्म बातें हम समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा, सत्युग स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी, एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूरत भव, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूरत भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहां देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूरत देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, कमी को देखते खत्म करते जाओ,
उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। बार बार कमियों को सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। आज का स्लोगन है, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।